तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MHKS मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज जो है बात करने वाले हैं सैमसंग FRP के ऊपर। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, सैमसंग जो है हमेशा ही अपडेट सिक्योरिटी अपडेट पे अपडेट अपडेट पे अपडेट करता जा रहा है, और उसी के दरमियान में अभी अनलॉक टूल हो, UMT हो, बहुत सारे टूलों में UAT टूल हो, सारे टूलों ने अपडेट जो है बारी बारी से दे रहा है कि आप बिल्कुल इजीली FRP कैसे कर पाएंगे इसका। उसी तरह जो है यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आप नहीं देख पा रहे थे कि यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसमें FRP लॉक लगा हुआ था, अभी भी है। यहाँ पे देखिए एसेसिबिलिटी नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे FRP निकालना है। और ये जो फ़ोन है ना, M32 फ़ोन है, M32 फ़ोन है, और ये जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है। और ये जो है अपडेट, अगर इसकी बात करें ना, लेटेस्ट सिक्योरिटी है, और इसका जो है अपडेट CPU जो है MTK है, और इसका टेस्ट पॉइंट से हमने किया वो भी वर्क नहीं किया। तो इसमें एक अपडेट आया हुआ है लेटेस्ट सिक्योरिटी का, इसमें MTK का लेटेस्ट सिक्योरिटी 2023 का कैसे करना है इसका FRP, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिए, कैसे करना है मैं PC में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ PC पे आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका FRP कैसे होगा। यहाँ पे देखिए एक टेस्ट पॉइंट से ट्रिक था कि M32 टेस्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए टेस्ट पॉइंट से इजीली कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है ये नहीं होता है, फेल कर देगा आपको। तो चलिए लेटेस्ट सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। देखिए लेटेस्ट सिक्योरिटी में क्या है, अभी सैमसंग में जैसे जाएंगे, सैमसंग में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है M32। ठीक है, और यहाँ से देखिए टेस्ट पॉइंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन टेस्ट पॉइंट से हमने किया है FRP बट नहीं हुआ फ्रेंड। तो उसके बाद चलते हैं, एक लेटेस्ट सिक्योरिटी नया अपडेट आ चुका है UMT, और अनलॉक टूल में हमने देखा MTK करके आया। देखिए फंक्शन में जैसे जाइएगा ना, फंक्शन में अनलॉक टूल में, उसके बाद यहाँ से देखिएगा रिमूव FRP 2023 MTK, इसमें दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ से देखिए डाउनलोड मोड, यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड मोड में इरेज FRP 2023 का है MTK, ओनली MTK ये FRP करेगा भाई। और ये आज ही अपडेट, कल ही आ चुका है इसका अपडेट, एक फंक्शन में जाने के बाद बहुत सारे मॉडल का, USA का जो मॉडल है ना उसमें दे रखा है कि आप लेटेस्ट मॉडल को आप बाईपास कर सकते हैं, FRP को अनलॉक कर सकते। तो ये USA के फ़ोन पे है बट अभी तक इंडिया के मॉडल में नहीं आया, तो आएगा तो देखेंगे अपडेट क्या आता है, कैसे आता है। बट अभी जो है USA के ऊपर आया है, बहुत जल्द हो सकता है आ जाए। तो यहाँ से सैमसंग में चलते हैं, डाउनलोड मोड में चलते हैं। डाउनलोड मोड में जाने के बाद आपको फ़ोन को क्या करना है, डाउनलोड मोड में लेके जाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए FRP लॉक लगा हुआ और एसेसिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे FRP डन होगा यहाँ से एसेसिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ोन को और डाउनलोड मोड में ले जाएंगे। क्या करेंगे, डाउनलोड मोड में ले जाएंगे फोन को। डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे समझ लीजिए बात को। या तो आप डायरेक्ट ही डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं, PC से भी ले जा सकते हैं। आपको क्या करना, फ़ोन को ऑफ़ करना है। यहाँ पे देखिए फ़ोन को ऑफ़ कर लीजिए इजीली, और वॉल्यूम अप और डाउन, सबसे इजी तरीका है वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को दबाइए, डाटा केबल कनेक्ट कर दीजिए। वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को मैंने दबा दिया है, देख लीजिए, और यहाँ से डाटा केबल को हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही डाटा केबल कनेक्ट किया, कुछ इस टाइप का आ जाएगा, तो आपको वॉल्यूम अप बटन प्रेस कर देना, अप वाला। अब जैसे करेंगे इस टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ भी FRP जो है ना, FRP लॉक ऑन, OEM ऑन, यहाँ पे दिख रहा है FRP लॉक ऑन, मतलब इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। मॉडल भी आप देख लीजिए कौन सा मॉडल है इसमें, ठीक है, और इसका लेटेस्ट सिक्योरिटी चल रहा है S9, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। डाउनलोड मोड में कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर अब खोल लीजिए, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ मॉडम
मॉडम यहाँ से देखिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना ओडिन एमटीके इरेजर फार्प। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना आप, देखिए यहाँ से स्कैनिंग पोर्ट रीड इन्फो, और रीड इन्फो लेने के बाद फोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया है, पैचिंग एफआरपी ओके, वेटिंग फॉर डिवाइस ओके, मतलब एफआरपी इरेज एफआरपी ओके लिख दिया यहाँ पे, देख लीजिए आपके सामने ही मैंने करके दिखाया फ्रेंड। तो बहुत सारा ट्रिक है कैसे आपको करना है, किस तरह से करना। आपके पास ड्राइवर का अगर लिंक नहीं है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, एमएस मोबाइल इंस्टीट्यूट में सर्च कीजिएगा, आपको ड्राइवर में जाना है, आप बिल्कुल इजीली सैमसंग का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो। अगर अनलॉक टूल एक्टिवेट कराना है तो बहुत ही लो प्राइस में आपको एक्टिवेट करवा के दे दूँगा, और वो भी ट्रस्टेड के साथ, 5 से 10 मिनट लगेगा आपको, वो अनलॉक टूल परचेज कर सकते हैं मेरे से आप। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा या मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही एफआरपी लॉक डन हुआ, और यहाँ से देखिए एसेसिबिलिटी यहाँ से दिख रहा होगा कि ऑन हो चुका है, यहाँ मेरा एसेसिबिलिटी का लोगो आ चुका है, मतलब साइन इन आ चुका है, तो जो कि उस समय नहीं आ रहा था। यहाँ से देखिए, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रहा हो कुछ इस टाइप का तो वो भी बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ ये वीडियो ला पाता हूँ आप लोगों के लिए, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए मैं डाटा केबल खोल दे रहा हूँ इसका। यह वाईफाई कनेक्ट है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेता। यहाँ देखिए स्किप का ऑप्शन आ गया, पहले स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अभी देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है फ्रेंड। यही है एफआरपी लॉक अनलॉक होने का ट्रिक है, समझने का कि कहाँ से क्या दिक्कत है, कैसे आपको। यहाँ से देखिए स्किप का ऑप्शन आ चुका है, जो कि पहला ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। स्किप नेक्स्ट स्किप कर लेने, यहाँ से फिनिश आ गया है, आप फिनिश कर लीजिए, फ़ोन आपका होम स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। इंग्लिश नेक्स्ट, स्किप स्किप, तो यहाँ पे देखिए फ़ोन मेरा डन हो चुका है फ्रेंड। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रहा हो ना तो भी बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं मॉडल नंबर आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सेम मॉडल वही है जो मैंने डाउनलोड मोड में भी आपको दिखा ही दिया था। यहाँ देखिए M32 फ़ोन है, और एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है ये, देखिए एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाइए, एंड्रॉयड 13 और जून 2023 का प्ले स्टोर अपडेट है, बट यहाँ नॉक्स अपडेट यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2024 का लेटेस्ट पैच पे है, यहाँ पे देख लीजिए 1 जनवरी 2024 का पैच सिक्योरिटी है ये, बहुत ही सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी, तब तक लिए बाय बाय, टाटा।